press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो हमारे तीन जो शेर हैं सुखी पाजी रफ्तार सलीम सुलेमान तीनों लाइव परफॉर्म भी कर रहे हैं. गाना बहुत बढ़िया कंपोज किया सलीम सुलेमान ने, बहुत अच्छा लिखा है हमारे सागर साहब ने, और रफ्तार और सुखी पाजी ने तो मतलब चार चांद लगा दिया. आई एम सो वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग, सो यू नो आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवनिंग. आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक द सॉन्ग एंड द काइंड ऑफ लव दैट यू हैव गिवन टू द ट्रेलर. I hope you give to the film as well and it works. फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाता हुआ ही गाना है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग बलता ही एक कुछ गाना है. सो ऑफकोर्स द सॉन्ग विल टेक द स्टोरी फॉरवर्ड, और एक जिस्ट फिल्म का जिस्ट बताने वाला वैसा किस्म का गाना है. सो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या गाना है. और मैं यू नो रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके लिरिक्स पे भी, रफ्तार के रैप पे भी ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत अच्छा लिखा है उस बंदे ने. ओके, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? करतूत है, विदाउट अ डाउट. या थैंक यू. श्रेयस, यू हियर एट सिंसिटी टू द लास्टिंग टू द एम्बियंस, व्हाट यू हैव टू से? इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस. इन फैक्ट आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फ्रॉम व्हाटएवर आई कैन सी हियर आई थिंक इट्स एन ऑसम प्लेस. So thanks to Sajid bhai for making this venue available for us and looking forward to the to a great evening. Okay Shreyas, ek sawal jo main alag poochne ja rahi hu ye hai ki IPL season chalu hai, to IPL ka fever kitna aapko chala? IPL ka to rehta hi hai, mere khayal se thoda thoda towards the end zyada badhne lagta hai, but thoda thoda jab time milta hai to follow karta hu main. In fact Goa mein shoot kar raha hu, wahan se main bas isi ke liye abhi just land hua hu और वापस जाऊंगा शूटिंग के लिए. तो जब वक्त मिलता है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं. एक्चुअली मुंबई का हूँ तो मुंबई इंडियंस बोलना चाहिए, बट आई थिंक आई एम अ धोनी सपोर्टर, सो सी एस के. यार कॉन्टेंट अगर अच्छा हो तो कभी भी रिलीज करो, फिल्म चलेगी. कंटेंट अगर बुरा हो तो जितनी चाहे सारी चीज़ें लगा दो, अंगूठिया अंगूठिया पहन लो, कुछ नहीं होगा. आई डोंट नथिंग. जय भोलेनाथ. ओके मैं डबली एक्साइटेड हूँ. आज तो करतूते का डे है एंड करतूते इज one of my favorite songs in the film and there are only two songs and the other one is the song that I have just shot for yesterday. But Kartoote is an amazing song aur humne jis din pehle din suna tha I think it's got so much spunk and the music is fab and Raftaar and Sukhvinder, so it's really nice. Okay, kis tarike ka songs aur bhi dusre songs hai? और एक ही गाना है जो मैंने कल शूट कर लिया है एंड इट्स एन अमेजिंग डांसिंग नंबर, आइटम नंबर एज वी कॉल इट. आई विल जस्ट से एक गाना है जिसमें बहुत सारी डांसिंग है, थोड़ी रैपिंग भी है और वो आई मीन जी इज डन द वीडियो और कल मैंने वो शूट किया है और आप लोग बहुत जल्दी देखोगे एंड इट्स एक्साइटिंग. इट्स समथिंग दैट आई हैव नेवर डन. सो या दोनों में I know I should be saying Kartoote because I'm here, but I would say mera gana jo aane wala hai, it's called Boom Jawani. Mera gana wo favorite hai. Iske alawa film ke baare mein thoda bahut janna chahiye aap se, bataiye. Film I know aap log ne trailers dekha hai and the trailer is self explanatory, kafi kuch samajh mein aaya hai, but then the main thriller and suspense part nahi pata hai. Main cop hu एंड इट्स अबाउट द एग्जाम पेपर माफिया एंड द स्कैम और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड विच इज़ टाइम. इट्स अबाउट टाइम कि ये लोगों के सामने आए और नॉट सुपरफिशियली बट लिटरली अंदर जाके और क्या क्या होता है. सो इट्स अ वेरी नाइस थ्रिलर एंड आई थिंक यू गाइज विल लाइक इट. जानना चाहेंगे आप सिन सिटी में कहां के एंबियंस के बारे में जानना चाहेंगे?
बहुत अच्छा है. अभी मैं बस आई हूँ, अंदर जाके देखूंगी तो शायद और अच्छा होगा. खूब थैंक यू. अरे ये तो मेरे से मत ही पूछो. आई डोंट फॉलो क्रिकेट एट ऑल. बिल्कुल नहीं. नो नॉट एट ऑल एक्चुअली. नो नीदर डू आई प्ले नॉट डू आई वॉच. सच अ बोरिंग आंसर. आई डोंट. थैंक्स. यार सुखविंदर सिंह तो मेरे मतलब बचपन से ही फेवरेट है मेरे. और मतलब सर ने जब ये गाना पहली बार सुनाया था सेट पे, तभी से मैं वेट कर रहा हूँ. सर से मैं कब से मांग रहा हूँ कि गाना मुझे दे दो, तो जस्ट वी हैव टू वेट फॉर म्यूजिक लॉन्च. तो फाइनली अब मुझे जाके मिलेगा सॉन्ग. तो फिल्म का सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है. सेकेंड, मेरा कैरेक्टर का नाम है दिबांकर मनी. और दिबांकर मनी बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है. तो किसी कारणवश ये अपनी जॉब छोड़ देता है. और देन आफ्ताब सिब्रिसानी जो सीनियर है, वो आते हैं मुझे मनाने के लिए कि एक मिशन है जहाँ पर मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है. सो कैसे हम लोग वापस एक टीम बनाते हैं सेटर्स का, जो माफिया जो है उनको पकड़ने के लिए. बाकी इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं. नहीं इसमें नहीं, इसमें एक ही सॉन्ग आई थी. फिल्म के अंदर कोई सॉन्ग नहीं, बिकॉज फिल्म काफ़ी फास्ट पेस है और स्क्रिप्ट के अनुसार कोई सॉन्ग की ज़रूरत है नहीं इस फिल्म में. तो आईपीएल अभी चल रहा है, आईपीएल का फीवर सबके ऊपर चढ़ा हुआ है. हाँ, कोई फेवरेट टीम है आपकी या फिर कोई प्लेयर अगर आपके? धोनी मुझे हमेशा से फेवरेट रहा. ऑन एंड ऑफ फील्ड जिस तरह से उनका बिहेवियर है, जिस तरह से वो लाइफ को लेते हैं, गेम को लेते हैं, तो वो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है धोनी से. टफ्स. हाँ जी. आईपीएल नहीं, मैं अभी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज बैक टू बैक कुछ ना कुछ शूट चल रहा है, तो मैं आईपीएल इतना फॉलो नहीं कर रहा. मैं लकीली मैंने 15 दिन पहले ही टिकटॉक पे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया. बट आई थिंक बैन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इरेलीवेंट है और बैन नहीं होना चाहिए. बिकॉज यूथ जो है कहीं ना कहीं से अपना जो डिस्ट्रैक्शन है वो लेके आ जाता है. सर तो हमारे टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, तो हमारे लिए टिकटॉक होता था कि घर के बाजू में अगर कुछ बिल्डिंग बन रही है तो रेती और ईंटें हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन था. तो हम लोग दिन भर ईंटें और रेती के साथ वहाँ कहानियाँ बनाते थे. फेसबुक आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया. अगर आप देखें रिसेंटली, पता नहीं कुछ इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में कि एक लड़का मर गया है टिकटॉक का वीडियो बनाते हुए. तो आई थिंक सेल्फी से ज़्यादा लोग मरे हैं रादर देन टिकटॉक से. टिकटॉक बैन करना या किसी भी चीज़ को बैन करने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं कि कितना मात्रा में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, रादर देन किसी भी चीज़ को बैन कर देना. देश में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो मुझे लगता है वो बैन होने चाहिए. टिकटॉक तो एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है, लोग अपनी बात अपने तरीके से रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है. अनिल जी, जानना चाहेंगे आप सिन सिटी में आए, यहाँ का एम्बियंस कैसा लग रहा है आपको? अभी तक मैं एंटर नहीं किया हूँ, बट मुझे जितना मुझे बाहर से फील हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है. बाकी अंदर जाके अभी मैं देखता हूँ. मैंने काफ़ी सुना है रिसेंटली, अभी मैं फ्रेंड के साथ ही अभी आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो अंदर जाके अभी तो धमाल होगा, पार्टी होगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.